फैसला जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे। दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। प्यार के काबिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ मम्मी एंड मानो। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। और आज मौसम में हल्का बादल है तो इसलिए धूप इतनी ज़्यादा नहीं। मेरा मन हुआ सुबह सुबह कुछ गुनगुनाने का, तो मैंने ऐसे ही रैंडम कर दिया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। सुबह के 10 बज रहे हैं, बहुत लेट उठी हूँ मैं आज। उसका रीज़न ये भी है क्योंकि ईशांका बहुत देर में सोई है, तो अक्सर ऐसा हो जाता है। ईशांका ने स्ट्रॉ की हेल्प से पीना शुरू कर दिया है, कोई भी लिक्विड, दूध, जूस, पानी। तो एक जो प्रॉब्लम थी कि जब भी उसे भूख लगती थी तो एक किसी को होल्ड करके उसको फीड कराना पड़ता था, वो थोड़ी सी हमारे लिए रिजॉल्व हुई है। तो मैं दिखाऊंगी कैसे करती है, बट एक प्रॉब्लम उससे ये बढ़ गई है कि वो पानी गिरा के खेलना शुरू कर दिया है उसने, तो कपड़े वगैरह भीग जा रहे हैं। बट ठीक है, गर्मी का दिन है तो वो भी थोड़ा इस तरीके इन्जॉय करेगी। उठ के सबसे पहला काम मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको अपना बेड ठीक करना चाहिए, क्योंकि कहीं पर मैंने पढ़ा था कि आप एक ये हैबिट डाल लो अपना बेड बनाने की सुबह उठ करके, तो ये आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला देता है, तो ट्राई करके देखो यार। इसके बाद फिर ईशांका की मालिश की। ईशांका की मालिश तो एक क्रुशल पार्ट है मेरे डेली रूटीन का, क्योंकि उसको बहुत ज़रूरत होती है। इस समय बोन्स मसल सब स्ट्रांग हो रहा है, सब डेवलप हो रहा है, तो ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है। जो ये आ रहा है, तो ये आ रहा है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी हाँ। इससे तुमको क्या आता है, मतलब तुम देखती हो छुप छुप रेल आती है? मेरा दिमाग खराब हो जाता है, दूध का दही बन जाता है, दिमाग का दही बन जाता है। हम तो उसको देखते रहते हैं, 5 मिनट बाद हमको लगता है कि ये तो ये तुरंत बंद हो जाए, हम घर के बाहर हो जाए। भाई उनको बोरियत होती और है। और ये भाई पता झपकाए बिना देखती है, उसको पता नहीं क्या, उसको लगता है कि जैसे कि हम ऐसे नहीं है, ये लोग कुछ अलग है, एलियंस है, एलियंस। हाँ, और वही कोई ऐसे लगा तो जिसमें नॉर्मल ह्यूमन दिखा रहे हो या कोई ऐसे नॉर्मल, वो नहीं देखती है। उसको लगता है कि ये लोग तो वही लोग हैं जो घर में बैठे हैं, बस सलाम नहीं देखती है, वो नहीं देखती है। लील गाली लो बेटा, लेल गाली, लेल गाली, आग के तोती भाजा बोल, लो इवा का इवा 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 ले 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 इन लोगों का प्यार ही नहीं चल जल्दी वो खत्म होता है दोनों लोगों का। चलो मत बराबरी करो, एक लोग ये आ जाएंगे, एक लोग वो आ जाएंगे, इन दोनों का प्यार ही चलता रहता है और हम हमारे पास रहेंगे तो बस तूफान मचता रहता है। चलो मत ना बराबरी करो, बराबरी करो। भैया सुबह से इतना ज्यादा काम था, नहाने में इतना ज्यादा टाइम हो गया, पता नहीं तेल नहीं भी लगाओ ना तब भी ऐसे ग्रीसी ग्रीसी बहुत ऑयली से हो जाते हैं, ग्रीसी तो नहीं ऑयली हो जाते हैं बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह की वजह से। मेरे तरफ बाल कटा लिए? कभी नहीं जिंदगी में। तो अभी अब सही हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में थोड़ा सा। हाँ अभी ड्रायर इसलिए नहीं किया क्योंकि इनको आवाज़ आती तो जग जाती है, ड्रायर यूज़ करेंगे ना तो सही हो जाएगा, तभी थोड़ा सा फेस भी सही लगेगा, अभी आपको ऐसे नॉर्मल दिख रहा है।
ये मेरी आइसक्रीम चोरी करके खा रहे हैं आप, मेरी आइसक्रीम है ये मेरी। आप क्यों नहीं अपने लिए ले आते हैं, एक्स्ट्रा रखते क्यों नहीं है घर में? अच्छा हम दोनों मिल बांट के खाते हैं, मिल बांट के खाते हैं। जनरली हम घर में आइसक्रीम रखे रहते हैं एक्स्ट्रा, क्यों? अभी तो लगेगी भाई। कपिल शर्मा बोल रहा है आप लोगों को कभी ऐसे जैसे कोई कोई वियर्ड सी ऐसे कोई एडवाइस देने वाला मिला है कि अरे तू क्या यार तूने कैसे बॉल मारी यार, ये वाली मार सकता था, ये कर सकता था, कभी ऐसे कोई आप लोग को मिलता है कि जो कहे कि क्या यार रोहित भाई कैसी बॉल मारी यार, ये ऐसे कर देता वो ऐसे कर देता? तो रोहित शर्मा कह रहा है अरे खूब मिलते हैं। तो कह रहा अच्छा कैसे? कह रहा आपको क्या लगता है हम लोग हेडफोन्स लगा के एयरपोर्ट पर क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं? कोई स्टाइल नहीं मारता है, ये सारी बातें सुनते रहते हैं। कितनी बार मेरे को लोग कह रहा कितनी बार लोगों यार तू बाहर की बॉल छोड़ देना यार, बाहर की बॉल क्यों मार देता है, सही बोल रहा है वो भाई साहब। नेटफ्लिक्स पे अब जो कपिल शर्मा आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है, इसमें मशहूर डॉक्टर गुलाटी भी वापस आ चुका है। मशहूर डॉक्टर गुलाटी नहीं, डॉक्टर मशहूर गुलाटी है। क्या तुम्हारा सिस्टम सही नहीं है, वाइफ से वर्षा हो गया। वैसे वर्षा क्या हो गया, तो उसके नाम को तुमने उसका डेजिग्नेशन बना दिया है। लो देखो मशहूर तो है ही वो, एक बार इनको चटा दे ना, ये लो मुंह देखिए इसका, मुंह देखिए इसका आइसक्रीम का। क्या बताना चाह रहे हैं बताइए, क्या बताना चाह रहे हैं? जैसे 5-6 साल चार के लड़के होते हैं ना बगल में, जैसे हम लोग के पहले मुकेश सर रहते थे, उनकी बिटिया थी टुक टुक, वो आती थी, अब वो आए दिन में 4-5 बार, आंटी ये आंटी लाडो सो गई क्या, जब ये सो जाए तब आके दरवाजा भट से मार दे, आंटी लाडो सो गई क्या, कभी कभी इरिटेटिंग हो जाता था। जब से हम आए हैं, पहले मेरे बारे में बताइए क्या बताना, जब से आए हैं शाम से मेरे साथ टाइम नहीं देते कैसे, फिर क्या 5 मिनट बीता, सुनिए ना आप चले जाएंगे खेल, सुनिए ना कुछ खाना है यार, ऐसे तो अजीब बेवकूफी, जैसे साला 5-6 साल के बच्चे होते हैं ना, ए पापा कुछ ले चल खिलाऊंगा दिला। मैं अभी थोड़ी देर के लिए सो गई थी, मैं भी उठी शाम को, शाम हो गई है अभी, सॉरी शांतनु ने लंच करा, उनको अचानक स्टमक में थोड़ा पेन फील होने लगा, फिर मैंने दवाइयाँ थी तो दे दी वो, लेकिन उनके कमर के नीचे हिस्से में भी एक साइड में राइट साइड में भी पेन था, जो कि प्रॉब्लम उनको थोड़े दिन से थी, एक हफ्ते हो गए होंगे, तो जैसे बैठ जा रहे हैं तो उठ नहीं पा रहे हैं, उठ जा रहे हैं तो बैठ नहीं पा रहे हैं, झुक नहीं पा रहे हैं, तो डॉक्टर के यहाँ गए हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर के यहाँ जा करके वेट बहुत करना पड़ता है, मैंने अभी कॉल करके पूछा तो बोले बहुत लंबी वो है लाइन है और वेट करना बहुत पड़ रहा है, क्या करूँ आ जाऊँ? तो मैंने बोला है कि नहीं आओ मत, तुम दिखा लो पहले फिर देखते हैं क्या होता है। शंतनु आ गया डॉक्टर के पास से वापस, आई गॉट दिस, इट्स ओनली अ मसल क्रैम्प, ईशा नहीं करो बेटा। अभी जैसे क्या होता है ना, बीच में ये योगा स्टार्ट किए तो एक दिन किए, दो दिन किए, फिर ऑफिस का शेड्यूल ऐसा हुआ या कुछ ऐसे हुआ कि वो मिस हो गया, तो वो रह गया। तो जैसे ही आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो बॉडी में पेन रहता है, और उस पेन को सस्टेन करने के लिए और बॉडी को हैबिचुअल बनाने के लिए फिर वो कई दिन की प्रैक्टिस लगती है, लेकिन अगर ये बीच में आपका बीच में ही रुक जाए तो फिर वो पेन मुश्किल हो जाता है बियर करना, तो इट कुड बी अ रीज़न आल्सो। और दूसरी चीज़ ये भी है कि वॉलीबॉल खेलते हैं तो हाई जंप और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो दिस कुड बी ऑल्सो अ रीज़न पॉसिबली।
है, डॉक्टर ने ये बोला है कि इट्स अ मसल क्रैम, यू जस्ट हैव टू पुट एन ऑइंटमेंट एंड जस्ट हैव टू टेक वन टैबलेट बीडी, तो उससे आपको आराम हो जाएगा, लेकिन आपको ये कोर्स करना पड़ेगा। वैसे तो मुझे कढ़ी बनाना बहुत इजी लगता है, और शांतनु को वैसे भी बूंदी वाली कढ़ी पसंद है, तो बूंदी वाली इनको भूख प्यास कुछ नहीं है, सिर्फ टहलना है, घूमना है, या सामान इधर से उधर करना है जो हम इनसे छिपा करके चुरा करके रख रहे हैं। वो कढ़ी बनाते समय जो सबसे नागवार काम मुझे लगता है वो है ये लहसुन छीलना। कई बार ऐसा होता है ना, आप लाइफ में बहुत बहुत चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से पास हो रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही होती हैं, हालांकि इट्स ओनली योर्स, किसी और को वो नहीं दिखता या दिखना भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, चलो ठीक है। लेकिन एक टाइम पे सडनली बहुत लो फील होने लगता है, ठीक है यार, क्या कर सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट ही रखना है, कुछ नहीं। डिनर वगैरह बन गया है तो शांका को मैं दूध पिला रही हूँ। इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर से इफ़ पॉसिबल मिलेंगे अलग व्लॉग में, नए व्लॉग में। मैं थोड़ा थका हुआ फील कर रही हूँ, इसलिए इसको एक्सटेंड नहीं कर सकती। आप अपना ध्यान रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, और प्लीज़ वॉच माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड येस, स्टे फिट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।